वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बच्चों की डाइट के हवाले से, उनके न्यूट्रिशन के हवाले से हमने पहले बात की, अब जरा हम उनकी जो कह लें साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी बात करेंगे और किस तरह से पेरेंट्स और बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है उसका असर बच्चों पर पड़ता है या उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरिया नाज ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइकाट्रिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो फरिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फरीहा, आज हम कम्युनिकेशन गैप पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन का आगाज हम कहाँ से करेंगे? कम्युनिकेशन गैप पे अगर हम बात करने लगे हैं तो उसका हम जो स्टार्ट है वो डेफिनेटली हम पेरेंट्स से करेंगे, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक कम्युनिकेशन गैप। सो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरीहा, जब पेरेंट्स और बच्चों की आपस में बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे फिर वही अटेंशन कहीं बाहर सीख करते हैं और फिर एट द एंड पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जनाब हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, क्योंकि शायद वो डर होता है या एक गैप पेरेंट्स ने हमेशा से रखा होता है बीच में। उसमें अर्मिला जो मेजर रीज़न है हमारी, अब सोसाइटी इस तरह से हो गई है कि पेरेंट्स जो हैं पहले बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उन्हें टाइम भी देते थे, उन्हें पता होता था कि उनके बच्चे क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, मदर्स हैं तो वो किटी पार्टीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स, सोशल सर्कल पे, फादर्स हैं तो दे आर बिज़ी, लाइक वो एक वो पैसे की दौड़ और एक सब कुछ वो चल रहा है। सो उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं। सो जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं वहाँ पे ट्रेडिशन होती है कि दे सिट टुगेदर, उन्होंने रात का खाना इकट्ठे खाना है, दे विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो डिस्कस करेंगे और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो जिन्हें नहीं पता होता अपने बच्चों के बारे में और मदर्स भी इतनी ज़्यादा उनके बारे में कॉन्शियस नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो दूर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो अपने फ्रेंड्स बनाएंगे, फिर उन्हें अब जैसे जो अर्ली या फिर टीनेजर्स हैं, जैसे उनको इतनी उस वक्त तक देखें 25 इयर्स तक तो ब्रेन जो है वो आपका डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको क्या सही है क्या गलत है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो हमें हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ लाइक वो लर्निंग है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वट एवर दे डू, वट एवर दे आई मीन जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता है हम उस चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं। बट वट इफ के आर पेरेंट्स आर लाइक डूइंग समथिंग विच इज़ रॉन्ग, तो हम डेफिनेटली उसी चीज़ को हम भी आगे लेके चलेंगे। अब जैसे जिन घरों में फादर या फिर मदर की या पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है उनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पॉइल होते हैं, बिकॉज दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, क्योंकि वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे घर का माहौल ख़राब है तो आई कैन यूज़ ड्रग्स, आई कैन गो आउट विद लाइक मतलब बैड कंपनी और लाइक आई विल कैरी समथिंग विच इज़ लाइक नॉट गुड फॉर मी। सो देर आर मल्टीपल रीजन्स कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप की एक बड़ी रीज़न जनरेशन गैप भी है फरिया? जनरेशन गैप भी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं उसको शायद 50% समझूंगी, बिकॉज जनरेशन गैप जैसे कुछ बच्चों की अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, सो वहाँ पे जनरेशन गैप क्यों नहीं आता? कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की बजाय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज दे गिव देम स्पेस, दे गिव देम फ्रीडम टू एक्सप्रेस वट एवर दे फील। लेकिन अगर एक डोमिनेटिंग या फिर एक ऐसी फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है या फिर ऐसे पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं तो वो फिर हाइड करना शुरू कर देते हैं चीज़ें। सो आई थिंक जनरेशन गैप has nothing to do with like a communication gap के साथ उसका कोई लेना देना मेरे ख्याल में नहीं है। सही, सो ठीक हो गया। अच्छा फरीहा, आप जनरेशन गैप की आपने कहा कि इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बच्चों को समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि जो वो बात कन्वे करना चाहते हैं वो उनको शायद उनके पेरेंट्स समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी परमिशन के लिए या कहीं भी बात करते हैं तो सबसे पहले आप बोल देते हैं नो,
मतलब उस नो से बच्चा इतना ज्यादा वो कहने ना पुट ऑफ हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है कि वो कहते हैं कि मैं इनसे कोई भी बात करूंगा तो मैं ये मेरी बात नहीं समझेंगे, उस वजह से भी तो बच्चा बैक ऑफ हो जाता है। देखिए उसमें ये होता है कि जैसे बच्चे बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात करते हैं जो कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें हम पूरी कर सकते हैं, जो ऐसी होती हैं जैसे परमिशन की आप बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि जिसके लिए हम अलाउ कर सकते हैं, कुछ ऐसा है जिनके लिए हम अलाउ नहीं कर सकते। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से आंसर करते हैं, कि वो आपको किस तरह से बताते हैं, समझाते हैं। अगर एक बच्चा लेट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रुकना चाह रहा है और अगर पेरेंट्स मना करना चाहते हैं तो अगर वो चिल्ला के या फिर अगर इफ दे स्टार्ट येलिंग एट दैट किड और उसको उस तरह से समझाना चाहेंगे तो वो अफेक्टिव नहीं होगा, वो रिबेलियस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज़ उसको प्यार से उसको कन्विंस किया जाए, उसको आराम से बिठा के समझाया जाए कि ये दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड, सो दैट्स अ रीज़न, उसको रीजन्स बताएं कि क्यों आप उसको नहीं जाने देना चाह रहे, क्यों आप उसको घर में रखना चाह रहे हैं या फिर क्यों आप उसे लेट नाइट, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे नहीं है। अब जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, आपने देखा कितना ये जो पिछले कुछ अरसे से हमारी सोसाइटी में या पाकिस्तान में कितने किडनैप्स, कितने मर्डर्स, ये सब कुछ ही जितना कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं अपनी सोसाइटी में इवन बहुत सारी बच्चियों को या फिर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं खुद जाके बताती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेबर है, हज़ार लोग हैं, जब आपके बच्चे बाहर पार्क्स में निकलते हैं खेलने के लिए, छोटी छोटी बच्चियाँ, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। ठीक हो गया फरीहा, समटाइम्स बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खेलें एग्रेसिव भी हैं, हमारे बच्चों के जो टॉलरेंस लेवल है वो भी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह भी बहुत सारे इर्द गिर्द के फैक्टर्स हैं, एट द एंड उसकी सारी जो कह लें फ्रस्ट्रेशन है वो पेरेंट्स और बच्चों के आपस के रिलेशन पे आती है। उसमें मतलब एक तो चीज़ है, मेजर जो फैक्टर है जैसे जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है ऑलरेडी, प्लस सर्कमस्टेंसेस कि आप किन सर्कमस्टेंसेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके घर का माहौल इस तरह का है कि जिसकी वजह से आप हाइपर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक अग्रेशन का एलिमेंट पाया जाता है, या फिर आप ये कि जैसे उसमें भी कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, उसमें जब पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब पेरेंट्स बच्चों को वो नहीं करने देते जो वो करना चाहते हैं। देखिए व्हेन इट कम्स टू लाइक एजुकेशन या फिर उनकी करियर की बात आती है तो पेरेंट्स हमेशा इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, दे डोंट इवन आस्क कि उनका बच्चा करना क्या चाहता है, उनके बच्चे की विश क्या है, ख्वाहिश क्या है, वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं जाते, उन्हें ये होता है कि जो हमने सोचा है इसके लिए वही इसके लिए बेहतर है। अब उसमें क्या होता है कि वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी, वो अब बच्चे एक सर्टेन एज पे वो ये होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, व्हेन दे डोंट एक्सप्रेस तो वो चीज़ें उनके अंदर जमा होती रहती हैं, वो फिर एकदम से एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है, उनका रिबेलियस एटीट्यूड, उनका एक्सप्लोड करना, फिर देन दे गेट इन्वॉल्व्ड इन लाइक डिफरेंट नेगेटिव एक्टिविटीज़, तो वो फिर उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जो कि जिनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सो पेरेंट्स का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेरेंटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हमें लगता है कि बच्चों को पालना बड़ा आसान है, ये तो बस ऐसे ही हमने बच्चे को कह दिया, डरा दिया, धमका दिया तो ठीक हो जाएगा, आपने टेम्परेरीली तो उसे मना कर दिया घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन क्या आप उसे सारी ज़िंदगी इसी तरह से रखेंगे? सो यू जस्ट हैव टू लर्न कि आपने अपने बच्चे को कैसे आपने रेज करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको क्वालिटी टाइम देना है, आपने उसको एनालाइज करना है कि अच्छा उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो कितने बजे सोता है, वो कितने बजे जागता है, वो पढ़ाई में कैसा है उसके, वो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो पीटीएम में नहीं जाते हैं, जाके पता नहीं करते पता कि क्या चल रहा है, उसके बाद फिर जब एकदम से जब रिजल्ट आता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो देन दे विल बी लाइक कि तुमने सारा साल क्या किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तो वो जो चेक इन बैलेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो थोड़ा हार्श एटीट्यूड के साथ ही हो, इट शुड बी लाइक मतलब वो इस तरह से हो कि आपके बच्चे के साथ आपका एक बड़ा एक अच्छा एक फ्रेंडशिप का एक बड़ा प्यारा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा फरिया, जैसे अभी आपने कहा इम्पोज करने की कोशिश करते हैं और ये बचपन से शायद उनके दिमागों में डाला जाता है, बड़े होकर करियर या एजुकेशन की बात नहीं है, किसी न किसी बात पे उनको इम्पोज किया जाता है जिसकी वजह से वो रेबल वाली बात जो हम कर रहे थे वो आती है उनके अंदर, उस हवाले से क्या गाइडेंस देंगे आप?
हमारे यहाँ पे क्योंकि इससे पहले होता ही था, अब देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इम्पोज कर सकें बच्चों पे, बिकॉज हम बहुत आगे आ चुके हैं. यहाँ पे आके बच्चे हमारे, अगर हम उनके ऊपर इम्पोज करेंगे भी तो उनका रिबेलियस एटीट्यूड होगा. यहाँ पे आके हमें बच्चों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे आके हमें बच्चों की नीड्स को, हमें उनकी बातों को, जैसे पहले सिर्फ हम उन्हें हुक्म करते थे, हम उन्हें जैसे पहले पेरेंट्स ऑर्डर करते थे कि तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना, अब आके बच्चे आगे से जवाब देते हैं. बिकॉज हमने उनको बड़े महंगे स्कूलों में डाल दिया है, वहाँ पे उनको एजुकेशन ये मिलती है कि नहीं, यू हैव टू स्पीक, आपको अपने राइट्स के लिए आपको बोलना है. तो जब उनको अपने राइट्स के लिए बोलना है, तो अगर पेरेंट्स, अब एक क्रीम क्लास है पाकिस्तान की जो बड़े बड़े स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाती है, ठीक है, अब वहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है कि नहीं, आपने ये चीज़ें करनी है. अब आपका बैकग्राउंड है पीछे से कि आप जी नए नए अमीर हुए हैं, आपको चीज़ों को पता नहीं है, उस तरह से वो क्या होता है कि आपका गैप बढ़ जाता है, ठीक है. उससे क्या होता है कि बच्चा कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा आपके दबाव में भी रहे और कुछ, मतलब कुछ गलत भी ना करे, और एट द सेम टाइम आपका बच्चा जो है वो बड़े लोगों में उठे बैठे, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो हाई क्लास के हों, वो ये भी करे, वो ये भी करे, उसका एक लेवल, उसका स्टैंडर्ड भी आप रेज करना चाहते हैं, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती. लेकिन उसमें मेन जो फैक्टर है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझना, इफेक्टिव लिसनिंग, कि आप अपने बच्चे की बात को समझें आप, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चों को स्पेस देना शुरू करें. ये जो हमारे दिन में डर होता है ना कि अब्बू को मैं ये चीज़ बता दूंगी ना तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा, अम्मी को ये चीज़ पता चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा. वट इफ़ वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, हम गलतियाँ करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. सो इट डजंट मीन लाइक कि मतलब हमें इन चीज़ों से डरना है या फिर खौफ अपने दिल में पैदा करना. ठीक है फरिया, अभी आपसे हम एक मैसेज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब मैं कुछ बर्थडे विशेज आई हैं आज हमारे पास, मैं बर्थडे विश कर दूँ. आज मरियम की बर्थडे है, तो मरियम शाहिद की बर्थडे है, तो जागो लाहौर और लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे मरियम शाहिद, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और मुझे लग रहा है कि ये पहली बर्थडे ही होगी. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मरियम शाहिद, इनकी आज बर्थडे है, तो जागो लाहौर और लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा जी, आज मोहम्मद इब्राहिम की भी बर्थडे है, तो हम उन्हें भी विश करते हैं जागो लाहौर की पूरी टीम की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. मोहम्मद इब्राहिम, हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी अच्छी पढ़ाई करते रहें. जी जनाब, बर्थडे विशेष तो हो गई फरिया, आज के टॉपिक के हवाले से आप हमारे देखने वाले को क्या मैसेज देंगी? स्पेशली मैं एड्रेस करूँगी पेरेंट्स को और मैं बच्चों को भी एड्रेस करूँगी. प्लीज़ अपने पेरेंट्स को देखें, जो पेरेंट्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके पैराडाइम्स, उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो, उनका और आपका अगर जनरेशन गैप है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, उनके क्लोज होने की कोशिश करें. और मैं पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्पेस देना शुरू करें, उन्हें समझना शुरू करें, उन पे दोस्त बनना शुरू करें, उनके दोस्त बनना शुरू करें, ताकि वो आपसे कोई चीज़ हाइड ना करें, ताकि वो कोई भी नुकसान ना कर बैठें, ताकि वो अगर कुछ गलत भी करते हैं तो वो आपके पास ही आएं, वो किसी और के पास ना जाएं कि मैंने ये गलत कर दिया है, नाउ व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मैं अपसेट रहेंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और अगर स्ट्रेस में जाएंगे तो डेफिनेटली वो किसी न किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे. तो रादर देन कि वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, उन्हें दे शुड कम टू यू एंड दे शुड शेयर इट विद यू. सो वो अंडरस्टैंडिंग, स्पेस, लव, केयर, ये सारी की सारी, ये एक म्यूचुअल, ये जो है ना वो एक म्यूचुअल थिंग है कि आप सबको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी. आप मिलके काम करेंगे, मिलके इस रिलेशनशिप को चलाएंगे, तो इट्स गोना बी लाइक आइडियल और लवली रिलेशनशिप. थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतनी जबरदस्त बातें करने का. जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का. कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़.